कि हम हर वक्त एक जगह तो नहीं बैठे रहते जगह को चेंज करते हैं तो ये मोमेंट है कोई भी एनिमल देख लें किसी वक्त वो आपको एक जगह पे नजर आता है तो उसके बाद आपको वो कहीं और जो है वो मूव करता हुआ नजर आएगा किसी और जगह नजर आएगा तो इट ऑर्गेनिज्म चेंज देयर पोजीशंस। अब आप देखें चेयर है आपने चेयर जहां पे रखी है जब तक आप उसको खुद नहीं मूव करते ही हिलाते ही, वो उस वक्त तक वहीं पड़ी रहेगी जी सर। तो वो क्या है नॉन लिविंग है चेयर है टेबल है आपके कमरे में जो चीज भी ऐसी पड़ी है ये सारे नॉन लिविंग है क्योंकि वो मोमेंट शो नहीं करती जी अब एनिमल्स के अंदर तो देखें वाजी मोमेंट होती है जिसको मैंने लोकोमोशन का नाम दिया ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं जगह चेंज कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर मोमेंट कैसे होती है ग्रोथ मोमेंट पौधों के अंदर मोमेंट कौन सी है ग्रोथ की मूवमेंट पौधा देखें छोटा होता है फिर वो आस्ता-आस्ता जो है टाइम उसका साइज इनक्रीज होता जाता है बड़ा होता जाता है तो ये भी मूवमेंट है ग्रोथ भी मोमेंट में कंसिडर होती है दैट इज कंसीडर्ड ग्रोथ मोमेंट अब देखें ना कोई भी और चीज ले लें अब जो टेबल है टेबल देखे हम लेते हैं वो टेबल जितना होता है उतना ही रहता है ठीक है चेयर है आपके आपके स्टेशनरी की जितनी चीजें हैं आपके पास कोई भी ऐसी जो नॉन लिविंग जिनको हम कंसीडर करते हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई मोमेंट नहीं होती ये थी पहली क्रेटिस्टिक मोमेंट देखिए मोमेंट से हम वाजे फर्क हम कर सकते हैं ना लिविंग और नॉन लिविंग के درمیان जी सर अच्छा अब हम देखते हैं रेस्पायरेशन को व्हाट इज रेस्पायरेशन आपको रेस्पायरेशन का आईडिया है सर इट्स अ केमिकल रिएक्शन जो अ um, न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स uh, होते हैं न्यूट्रिएंट्स के उनको और एनर्जी रिलीज होती है जी बेटा सुने इसका रेस्पिरेशन जो है इसमें एक ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है और एक होता है सेलुलर जो है है उसमें तो जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम हवा आ, सांस लेने के दौरान जिस जो हवा हमारे लंग्स में जाती है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से फिर वो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन बाहर निकल जाती है ये है ये है ब्रीदिंग सांस को ले सांस लेना यानी हवा का लंग्स में दाखिल होना और लंग्स से हवा का बाहर खारिज हो जाना ये ब्रीदिंग है अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन जो है ये इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं वो क्या है लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है ब्लड के जरिए ब्लड कौन सा जो लंग्स में से मूव कर रहा होता है लंग्स में से पास हो रहा होता है ड्यूरिंग सर्कुलेशन ओके सर पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये हम ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन कैसे होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है ब्लड का पाथ जो है ये सारा हम डिस्कस करेंगे तो लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होती है ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ मिला देती है और बन जाती ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब वो ब्लड जब सेल्स में पहुंचता है तो सेल्स के अंदर चूंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो वहां पे वो ऑक्सी हिमोग्लोबन जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन वहां रिलीज हो जाती है अब वो ऑक्सीजन सेल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिय फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट इज तो वो ऑक्सीजन वहां पे यूज होती है और उसके रिजल्ट में न्यूट्रिएंट्स के ब्रेक डाउन के रिजल्ट में क्या होता है एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी सेल्स इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो अगेन उसी ब्लड के अंदर शामिल होकर वापस आती है और वो ब्लड दोबारा जब लंग्स में से पास हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज हो जाती है एलवलाई के अंदर और वहां से ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स फिर ब्रोंकाई फिर ट्रैकिया के रास्ते जो है उसके बाद आके नोस्टल्स के जरिए या माउथ के जरिए हम उसको एक्सहेल कर देते हैं तो ये है रेस्ट का प्रोसेस, तो ये वाला प्रोसेस भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है ये नॉन लिविंग में नहीं होता अच्छा अब इस के लिहाज से मैं थोड़ी सी और बातें ऐड कर देता हूं ये कहा जाता है कि रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए उसकी क्या वजह क्योंकि रात को रेस्पारेट कर रहे होते हैं। वो तो दिन को भी करते हैं। ऐसे फिर रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिन को भी रिलीज़ करते हैं। रात को उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज़्यादा उसमें कट ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर रहे होते। जी बड़े हाँ जी रात को बिल्कुल रात को वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते सिर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं मींस कि उनके अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का नहीं होता दिन के वक्त दिन के वक्त जो है वो रेस्पिरेशन भी होती है फोटोसिंथेसिस भी होती है रात को सिर्फ रेस्पिरेशन होती है फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो इस वजह से क्या होता है कि पौधों के नीचे या पौधों के आसपास का जो एरिया होगा जहाँ पे ज्यादा पौधे हैं तो वहां पे की कमी होती है ठीक है है होती ऑक्सीजन की और वहां पे जो बंदा सोया होगा ही मे सफर सफोकेशन ठीक है दम घुटने का खतरा होता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको सांस में दुश्वारी आ सकती है इस वजह से पौधों के नीचे सोने से मना किया जाता है अब एक और चीज इसी तरह से रात को सर्दियों में कमरे के अंदर गैस, गैस हीटर जलाकर सोने से मना किया जाता है उसकी वजह ऐसे क्योंकि उस वक्त भी ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है हाँ जी बेटा अमोनिया होता है ना कि सर्दियों का मौसम होता है अब दरवाजे खिड़कियां सब बंद की होती हैं जी सर जी बेटा हाँ रात को ये होता है कि सर्दियों के मौसम में चूंकि शर, शरीर सर्दी होती है तो कमरे की खिड़कियां बंद हैं बंद है और अंदर अगर हीटर जला देते हैं तो कमरे के जो अंदर हवा होगी उसमें मौजूद ऑक्सीजन ड्यूरिंग ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ गैस इन हीटर इट विल बी यूज वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो वो यूज होती जाएगी अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोग अंदर सो रहे होंगे उन्हें उन्हें सांस में दुशवार पेश आएगी सफोकेशन हो सकती है दम घुट सकता है डेथ डेथ में सवियर कंडीशन हो जा हो सकती है इस वजह से कमरे में हीटर को जलता छोड़कर सोने से मना किया जाता है अच्छा एक तो देखें वैसे भी खुदाना खास था चूंकि आग जल रही है तो कोई कपड़ा करीब उसके पड़ता है तो एक तो आग लगने का भी खतरा होता है ना लेकिन जो साइंटिफिकली साइंटिफिकली जो एडवाइस किया जाता है तो इस वजह से कहा जाता है कि ऑक्सीजन की अंदर कमी हो जाती है अच्छा तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने देखा ये भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है नॉन लिविंगस जो हैं दे नेवर रेस्पायर ओके सर और जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान ये कहाँ यूज होती है न्यूट्रिएंट्स को ब्रेकडाउन करने में बेटे न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन से तो ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है यूज होनी है ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज के लिए जो लाइफ एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनिज्म की मसलन हमारी हमली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाट आर आवर लाइफ एक्टिविटीज व्हिच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल रेस्परेशन सांस लेना जी इस रेस्परेशन के दौरान देखें डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं किसी भी किस्म की जो मूवमेंट होती है वो बगैर नजीके पॉसिबल नहीं है <coughs> हमारे ब्रेन को हमारा ब्रेन जो है वो 24 फोर वर्किंग करता है हमारा जो हार्ट है 24 फोर आवर्स हार्ट में पंपिंग करनी होती है तो हार्ट को एनर्जी चाहिए हार्ट के मसल्स जो काम कर रहे हैं उनको एनर्जी चाहिए तो इस तरह के जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनको मुसलसल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी वही है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर अच्छा okay. जितनी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्या ये सारी यूज हो जाती सारी नहीं यूज होती जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो इस्तेमाल होती है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो एटीपी की फार्म में जिसमें स्टोर हो जाती है एटीपी टीपी की सूरत में स्टोर हो जाती है एटीपी क्या होता है आइडिनोसिन ट्राइफास्फेट, आइडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एटीपी। अब ये एटीपी की सूरत में जो एनर्जी मौजूद है जिस वक्त भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये ATP जो है इसकी ब्रेक ब्रेकडाउन होती है और इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है ऐसे बनता है, फास्ट रिलीज हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती वो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती है अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड सेंसिटिविटी क्या होती है

एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली कोई चेंज जो कि ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अफेक्ट करती है इसको स्टिमुलस कहते हैं फॉर <coughs> एग्जांपल देखें गर्मियों का मौसम है कमरे में हम बैठे हैं हमें गर्मी महसूस होती है तो हम क्या करते हैं हम पंखा चलाएंगे ठीक है पंखे को स्विच ऑन करेंगे जाकर या हमें ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है हम ए सी जो है रिमोट पकड़ेंगे एसी को ऑन करेंगे तो ये हम हम बैठे थे पहले हम बैठे थे फिर हम उठ कर ये जो काम कर रहे हैं ये क्या है इट इज़ चेंज इन बिहेवियर तो ये चेंज हमारे हमारे अंदर किस वजह से आई हीट की वजह से तो हीट क्या था स्टिमुलस वो एक चेंज थी दैट द स्टिमुलस उस स्टिमुलस को हमने परसीव किया हमने डिटेक्ट किया कैसे डिटेक्ट किया सेंस ऑर्गन्स के जरिए तो ये सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं पांच किस्म के फाइव सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी ये कौन-कौन से हैं साइट यस यस टेस्ट साइट स्मेल टेस्ट हियर हियरिंग टच टच यस yes. ये फाइव सेंसेस हैं और हर सेंस के लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन्स मौजूद हैं मसलन टेस्ट के लिए कौन सा ऑर्गन है टंग टंग स्मेल के लिए नोज। वीएन या वीएन के लिए सीइंग वीएन देखना साइट साइट uh, के लिए आईज यस हियरिंग Uh, ears. Ears. और uh, touch के लिए Hands. No, skin. Skin, sir, sorry. Second, जो है वो है वो <coughs> ये sense organ, touch का <coughs> okay, <sir. coughs> तो इन सेंस ऑर्गन के जरिए एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को आ, परसीव करना उनको डिटेक्ट करना फिर अकॉर्डिंगली रेस्पोंड करना रेस्पॉन्स क्या होता है रिएक्शन रिएक्शन टू दूल इसको अब देखें कमरे के अंदर जितनी मर्जी गर्मी हो हमारे कमरे के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी होती हैं सच पड़ी रहती हैं जितनी भी गर्म हो जाएं शदीद गर्मी के मौसम में लेकिन कभी जो है आपने देखा है कि उन्होंने कोशिश की हो कि उस गर्मी का कोई सदैव वो कर सकें या करें कभी नहीं ऐसे होता इट कि ये जो सेंसिटिविटी की कैफियत है कि एनवायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करना या रेस्पॉन्ड करना ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो पाई जाती है नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती आप किसी भी एनिमल को देख लें देखिए उसको जब भूख लगती है ये भूख लगना भी स्टिमुलस है भूख का लगना भी स्टिमुलस है जब हमें हमें जब भूख लगती है तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होता है आ, हम कुछ खा लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल हम खाना खाते हैं हमें जब भूख लगेगी तो हम कोई ना कोई चीज देखेंगे खाने पीने की जो हमारा दिल करेगा जो जो अवेलेबल होगी हम वो खाने की कोशिश करेंगे इट इज अवर रेस्पॉन्स अच्छा तो जो एनिमल्स हैं बाकी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी देखें को भी भूख लगती है तो वो खाने की चीज तलाश करने की कोशिश करते हैं कोई भी चीज उनको खाने की तो ये जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है नॉन लिविंग में ये नहीं है अच्छा ये इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है अब देखें हमारे अगर स्टॉमिक के अंदर को, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस महसूस हो कोई बॉडी में कहीं भी किसी हिस्से में कोई पेन वगैरह अगर हो तो हमें पता चल जाता है ना महसूस होता है हम कहते हैं कि इस हिस्से में पेन हो रही है हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम तो देखें ये चीजें जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर महसूस महसूस कर रहे हैं जिनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं इट इज सेंसिटिविटी इट इज आवर सेंसिटिविटी कभी कोई नॉन लिविंग थिंग जो है ऐसी कि, किसी भी कर, को शो नहीं करती ऐसी कोई चेंज उसके अंदर ना आती है ना उसको वो डिटेक्ट करती है ना वो रेस्पॉन्ड करती है उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ ग्रोथ क्या है इट इज द इंक्रीज इन साइज साइज में इजाफा अब साइज में इजाफा कैसे होता है सेल्स जो हैं जो भी सेल बनते हैं तो उनका प्रोटोप्लाज्म प्रोटो जो है उसमें इजाफा होता जाता है प्रोटोप्लाज्म उनका बढ़ता जाता है और सेल का साइज बढ़ जाता है जब सारे सेल्स का साइज बढ़ता है तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है अब ऑर्गेनिज साइज का असल ये होता है कि जब सेल का साइज बढ़ता है ना नॉर्मल हो जाता है उसके बाद वो सेल डिवाइड हो जाता है ठीक है वो सेल आगे डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड होने से क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है सेल्स की तादाद बढ़ती है हर नया पैदा होने वाला सेल जो है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोटोपलाज्मे जैसे इंक्रीज आता है वो सेल भी नॉर्मल साइज को आता है फिर उसके बाद उसमें डिवीजन हो जाती है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो रिजल्ट क्या तो होता है ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ जाता है हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में अच्छी ग्रोथ आ रही है जिस पौधों के अंदर भी हम कहते हैं ये पौधे अच्छा ग्रो कर रहे हैं उनको जब हम न्यूट्रिशन जो है वो उसका ख्याल रखते हैं पौधों मसल पानी वगैरह देते हैं उनके जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो उनको देते हैं तो पौधों में अंदर भी ग्रोथ पाई जाती है प्लांट्स तो के अंदर भी ग्रोथ पाई जाती, जाती है अब देखें किसी भी एनिमल को देख लें जब बच्चा पैदा होता है छोटा होता है विद पैसे टाइम उसका साइज बढ़ता जाता है पौधा जब बीज से निकलता है बहुत छोटा सा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करके वाटर को ऑब्जॉर्व व्हाट इज दिस इट इज ग्रोथ अब ये ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो हमें नजर आती नॉन लिविंग में नहीं होती अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की ग्रोथ देखें ग्रोथ मैंने आपको दो तरीकों से बताया एक तो सेल्स का साइज में इंक्रीज होना और दूसरा सेल्स की तादाद का बढ़ना सेल जब सेल का साइज जब बढ़ता है उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है तो सेल्स की तादाद बढ़ती है नए बनने वाले सेल जो है उनका फिर साइज बढ़ता है फिर उसके बाद वो डिवाइड हो जाते हैं तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ये अगले साइड पे नेक्स्ट आप देखें ना तो ये सप्लीमेंट सप्लीमेंट पोर्शन जो दिया हुआ है इसमें यही चीजें हैं जो इधर हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर या वो चीजें जो है कि इजाफी कुछ आगे बताई हुई है वो साथ साथ ही आपकी डिस्कस होती जा रही है ये मेटाबॉलिज्म के हवाले से मैं थोड़ी सी बात मजीद अगर खा दो मेटाबोलिज्म क्या होता है बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है दीज रियक्शन आर कलेक्टिवली टर्म एज मेटाबोलिज्म जितने भी रिएक्शन बॉडी में होते हैं उन सब को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है इसकी मेटाबॉलिज्म की दो किस्में होती हैं कौन कौन सी आपको आइडिया है कौन सी किस्में एक एनाबोलिज्म और एक कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म ये दोनों एक दूसरे दो के उल्ट हैं एनाबोलिज्म के अंदर सिंपल सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और कंप्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं ठीक है सिंपल सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है वो बनते हैं आप किसी एनाबोलिक प्रोसेस की एग्जांपल जो है वो सोचें कि क्या हो सकती है मेटाबॉलिज्म जिसकी पहली टाइप मैंने बताई है एनाबोलिज्म एनाबोलिज्म की एग्जांपल में दे रहा हूं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कैसे होती है फोटोसेंसिस किसमें होती है प्लांट्स में होती है एनिमल्स में होती है प्लांट्स में यस yes, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे क्या करते हैं? Uh, um, हैं अपनी खुराक uh, तैयार करते हैं अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसेंथिस प्रोसेस इन विच प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड अब्जोर्ड फ्रॉम द एयर एंड वाटर अब्जॉर्ड फ्रॉम सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी है कि जो कि क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करता है तो पौधे जो हैं उस सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज तैयार करते हैं ये प्रोसेस फोटोसेंथिस का है अच्छा तो ये क्या है एनाबोलिज्म अब कैटाबोलिज्म की एग्जाम्पल क्या है Respiration. Yes, respiration. ये उसके उल्टा है रेस्परेशन में क्या होता है कंप्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है कंप्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है <coughs>

आ, सोच कर डिसाइड करके प्रॉपर रेस्पॉन्सेज शो करते हैं कि देखें अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम क्या करते हैं हम पंखा चलाते हैं और अगर सर्दियों में हमें सर्दी लग रही हो तो फिर हम पंखा नहीं चलाते हम हीटर चलाते हैं या इन्वर्टर जो है उसको हीट मोड में जो है वो चलाते हैं तो ये हमारा पहले डिसीजन होता है जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज होती है स्टिमुलाइज होते हैं जिनको हम डिटेक्ट करते हैं उसके बाद हम प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं अच्छा, इसके बाद हमने ग्रोथ की बात की अब प्रोसेस है reproduction. Reproduction वो अपने ही काइंड के ऑर्गेनिजम जो है वो प्रोड्यूस करता है ठीक है रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग सर Reproduction is a process in which an organism produces young ones of its own kind. प्रोसेस अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लें इंसान है उसके बच्चे इंसानों उसके जैसे होते हैं अब आप, आप कैट को ले लें कैट के बच्चे कैट जैसे हैं डॉग डॉग जैसे हैं आप कैटल को ले लें जिस भी एनिमल को ले लें ले तो उसके बच्चे क्या होते हैं उसी एनिमल जैसे होते हैं आप पौधों को ले लें जिस पौधे के भी हम बीज बोएंगे तो उसी पौधे जैसे ही उस बीज से पौधे निकलेंगे गंदम की फसल को देख लें राइस की फसल को देख लें किसी भी क्रॉप को देख लें तो इट मीन्स कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है इट हैज एबिलिटी प्रोड्यूस यंग वो काइंड अपनी ही तरह के बच्चे जो है पैदा कर सकता है अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता है तो ये नसल को बढ़ाना टू तो एंश्योर इट्स सरवाइवल अपने सरवाइवल को यकीनी बनाने के लिए अपने अपने यंग वोड्यूस करना ये रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपनी लाइफ के लिए या अप, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है किसके लिए जरूरी है के सर्वाइवल के लिए जरूरी है एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता वो खुद तो फिर भी जिंदा रहेगा ठीक है ना रिप्रोडक्शन को ऐसा प्रोसेस नहीं है कि अगर अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा वो अपनी लाइफ पूरी करेगा ठीक है वो सारे रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा जैसे वो ऑर्गेनिज्म मरेंगे उसकी उनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी इट मीन की रिप्रोडक्शन जो है ये किसके लिए जरूरी है किसका सर्वाइवल सेम काइंड जो उसके हैं सपेशी का या आप सिंपली उर्दू में कह सकते हैं नस्ल का ठीक तो कि किसी नस्ल की बका के लिए किसी सपेशी किस के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी ये तो हमने रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट की बात की कि ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन जो है है इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे हम के हवाले से जो हम रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं तो एनिमल्स के अंदर भी ये एबिलिटी पाई जाती है प्लांट्स के अंदर भी एबिलिटी पाई जाती है लेकिन किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी नहीं है ठीक है हम... हम टेबल चेयर, जो भी चीज कोई लेते हैं कमरे के अंदर हमने जितनी भी चीजें रखनी होती हैं वो उतनी ही रहती हैं कभी ऐसे होता है कि टेबल एक रखी अगले दिन आए तो दो हो चुकी थी नहीं ऐसे कभी नहीं होता वजह क्या है कि वो नॉन लिविंग था उसके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ही नहीं थी आप स्टेशनरी की चीजें जो है वो जितनी पाउच में लेकर डालती हैं वो उतनी ही रहती हैं क्योंकि उनके अंदर Reproduction key ability hai. next, it is their excretion. What is excretion? It is the removal of metabolic wastes outside the body, removal of toxic materials and uh, substances which are there in excess in the body. बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिक मटेरियल्स जब मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो देखें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स वगैरह जब कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की ब्रेक डाउन होती है उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जी, और वाटर बनता है साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है अब उसमें जो वाटर सरप्लस होता है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खारिज होती है सांस के प्रोसेस के दौरान ब्रीदिंग के दौरान जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जो पानी पैदा होता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है पानी कैसे खारिज होता है एक्स्ट्रा वाटर या सरप्लस वाटर जो कैसे खारिज होता है ठीक है जब हम सांस खारिज करते हैं ना हवा खारिज करते हैं तो इसके दौरान अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर फूंक मारते हैं हवा बाहर निकाल तो क्या होता है मिरर के ऊपर मास्टर से नहीं आ जाती जी तो वो मास्टर कहाँ से <coughs> वो पानी कहाँ से आया ये वही पानी है जो उस मेटाबोलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हुआ था फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इवन प्रोटीटोलिज्म के के मेटाबॉलिज्म के दौरान पानी प्रोड्यूस होता है तो वो पानी एक तो रेस्पिरेशन uh, के दौरान खारिज हो जाएगा ब्रीदिंग के दौरान इसके अलावा वो पानी स्वेट जो प्रोड्यूस होता है स्वेटिंग के दौरान जो पसीना आता है पसीने की सूरत में वो मेटाबॉलिक वेस्ट uh, जो था वाटर वो खारिज होगा और इसके अलावा ज्यादातर जो होता है वो यूरिनेशन के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं अमोनिया यूरिया ठीक है अमोनिया बनता है उसके बाद यूरिया बन जाता है उसे तो ये टॉक्सिक हैं <coughs> अगर ये कमोलेट होते हैं बॉडी में तो देर डेंजरस फॉर द बॉडी देर हार्मफुल फॉर द बॉडी सो so, देर रिमूवल इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो ये जो यूरिया या, या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनका रिमूवल कैसे होता है इनके रिमूवल के लिए ऑर्गन कौन से किडनीज ठीक है किडनीज जो है किडनीज ऑर्गन uh, हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं यूरिन की फॉर्म में तो ये चीजें जो थी हमने जो अभी डिस्कस की हैं इट वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन दैट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन सॉरी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आउटसाइड द बॉडी मेटाबॉलिक वेज जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनका جسم से खारिज होना ये एक्सक्रीशन था okay, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं उनका جسم से खारिज होना वो क्या कह कहलाता है उस प्रोसेस को क्या कह कहते हैं सर क्वेश्चन रिपीट करना अन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट्स आउटसाइड द बॉडी इस प्रोसेस को क्या कह कहते हैं ejection ejection e g e s t i o n ejection जे okay. देखें हम कोई भी चीज जो खाते हैं ना जो इनटेक का फूड है उसको कहते हैं इनजेशन Ingestion. उसका जो हजम होना है उसको कहते हैं डाइजेशन okay. और जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होगी वही आगे मेटाबोलिज्म के अंदर इस्तेमाल होगी जिसके दौरान अनर्जी प्रोड्यूस होगी और मैटाबोलिक वेस्ट पैदा होंगे मैटाबोलिक वेस्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर है और नाइट्रोजनस वेस्ट है ये तो कैसे पैदा हुए जो डाइजेस्टेड फूड थी लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है जिसे हम अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहते हैं तो वो इजेशन के प्रोसेस से खारे हो रहे <coughs> तो यहाँ पे हमने एक्सक्रीशन को जो पढ़ा तो देखें ये एक्सक्रीशन की एबिलिटी भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती इट्स क्लियर जी सर नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स दैट वी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड दैट दैट वी यूज इन आवर बॉडी ग्रोथ एंड फॉर डिवेलपमेंट ऑर्गन्स की डिवेलपमेंट के लिए बॉडी की ग्रोथ के लिए अनर्जी के लिए मुख्तलिफ चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम जो इस्तेमाल करते हैं उनको बाहर से जो हम इनटेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन कहलाती हैं Okay, जैसे हम उर्दू में गजाइत कह सकते हैं यानी खाने पीने की कोई भी चीज जो है ये न्यूट्रिशन में आती है और न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है इसी न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस होनी है okay, ठीक है इसी के जरिए ग्रोथ होनी है और डेवलप डेवलपमेंट क्या होता है इंक्रीज किसी भी ऑर्गन का जो है साइज में इंक्रीज होना ये उसकी डेवलपमेंट है तो पौधों को कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यस लाइट यस लाइट इज आल्सो रिक्वायर्ड Uh, photosynthesis. Okay. Photosynthesis कार्बन डाइक्साइड जो है पौधे हवा से लेते हैं वाटर और जो आमीन से जजब करते हैं जो कि जरिए ऊपर जाएंगे पत्तों में और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल uh, होता है मिजोफिल सेल्स के अंदर कार्बन एसिड वहीं पर लीव्स के अंदर ही अब्जॉर्ब होती है हवा से स्टोमेटा के रास्ते जो एंटर होती है तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है वहां पे फोटोसेंसिस के दौरान ग्लूकोज वगैरह बनता है तो ये वो चीजें थी रॉ मटीरियल की अभी तो बात हम करें ना कार्बन आइसाइड वाटर आयंस वगैरह ये रॉ मटीरियल है जो पौधों को रिक्वायर्ड है अब एनिमल्स के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे प्रोटींस कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स इवन वाटर है डिफरेंट मिनरल्स हैं ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों जो एनिमल्स को रिक्वायर्ड होते हैं एंड एनिमल्स इनटेक ऑल दीस न्यूट्रिएंट्स दे टेक इन ऑल दीस न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स जो हैं इन सारे مختلف قسم کے نیوٹریئٹس کو इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन का ये भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है किसी नॉन लिविंग के अंदर ये एबिलिटी नहीं पाई जाती न्यूट्रिशन <coughs> <nutrition> की <coughs> यह हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने कैटिस्टिक स्टडी किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग Non उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या होती है ऑफ़ इनटू ग्रुप्स ग्रुप्स। एंड सब को छोटे और बड़े ग्रोहों में डिवाइड करना ये कहलाता है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन

कि इंडिविजुअली अगर हम एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना शुरू करें तो हम कितने ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाएंगे क्योंकि ऑर्गेनिजम की तो तादाद बेशुमार है। हम क्या करते हैं कि हम में सिमिलरिटी की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुपिंग कर देते हैं अब उस पूरे ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे तो पूरे ग्रुप की क्रेटिस्टिक्स का हमें पता चल जाएगा पूरा ग्रुप स्टडी हो जाएगा इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूं कि स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो हम एक एक बच्चे को अलहदा पढ़ाना शुरू करें पहले एक बच्चे को पढ़ाएं फिर दूसरे बच्चे को पढ़ाएं फिर तीसरे बच्चे को पढ़ाएं अब एक क्लास के जो है एक ही क्लास के अगर पचास साठ बच्चे हों तो क्या हम एक एक बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते तो हम तो एक क्लास को भी नहीं पढ़ा पाएंगे जी एक सब्जेक्ट लेकिन अगर हम ऐसे करें कि उन पचास बच्चों को इकट्ठा एक, एक कमरे में बैठाएं और इकट्ठा ही लेक्चर दें तो एक लेक्चर के अंदर हम एक सब्जेक्ट जो है वो पूरी क्लास को पढ़ा देते हैं तो फायदा हो गया ना जी सेम यही चीज है क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन <coughs> की जरूरत क्यों महसूस हुई

तो इसमें हम कुछ फीचर्स को देखते हैं जो कि कॉमन पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर उन फीचर्स के बेस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं और इससे इस क्लासिफिकेशन इस से ये नेक्स्ट देखें उन्होंने जिसका मेंशन किया कि इससे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं एवोल्यूशन कहते हैं अकमोलेशन ऑफ चेंजेस जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन दिजल्टिफिकली हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजेस होती है नस्ल दर नस्ल वो इकट्ठी होती होती कई नस्लों के बाद ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम अगर पिछले अः कुछ आ, पिछली नस्लों कुछ पृष्ठों के बाद जो है अगर हम कंपेयर करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जी सर गोया वो है कि वो नई स्पीशीज आगे बन जाती हैं ये साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहा हूं इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन <coughs> तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिजम्स के है, जो हैं ये हमें मिल सकते हैं इस क्लासिफिकेशन से सपिशी क्या होती है सपिशी जो है ये ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसके अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद जो आप स्प्रिंग आगे प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल होते हैं फर्टाइल क्या होते हैं जो आगे रिप्रोडक्शन की सलाहियत रखते हूं जी उन्हें फर्टाइल कहा जाता है और जो आगे नस्ल ना बढ़ा सके उन्हें क्या कहते हैं स्टीराइल 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 एस टी आर आई एल स्टीर फर्टाइल कोल्ड है तो सपेशी मैंने बताया कि स्पेशी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिसमें मौजूद सारे ऑर्गेनिजम्स फ्रीली रिप्रोडक्शन कर सकते हूं और आगे जो उनके बच्चे पैदा हों उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन की सलाहियत पाई जाती हो तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली कहेंगे कि ये एक स्पीशीज है अब शक्लो सूरत में क्या होता है या देखें नेक्स्ट जिसका मेंशन किया मार्फोलोजी और एनाटॉमी मार्फॉलोजी है शक्लो सूरत का ओके okay, सर और एनाटॉमिक है इंटरनल ऑर्गन एनाटॉमी okay. इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है उनमें सिमिलरिटी ये मार्फोलॉजी तो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना ऑर्गेनिज्म की जिसको हम मार्फोलॉजी कह रहे हैं ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है अब देखें ना इंसान है जितने इंसान है तो शक्लो सूरत में जाहरी तौर पर देखें उनके क्या बाजू है बाजू हैं टांगे हैं आंखे हैं नाक तो ये सारी क्या है सिमिलरिटीज है ना ये है मार्फोलोजी ये मार्फोलोजी है एक्सटर्नल तो इंसान की एनाटॉमी क्या है देखें डाइजेस्टिव सिस्टम स्टॉमिक हमारा हम स्टॉमिक को देख तो नहीं सकते जी कब पता चलेगा जब डायसेक्ट करेंगे ऑपरेट करेंगे तो फिर उसके बाद हमें नजर आएगा इसी तरह लिवर को देखें हार्ट को देखें किडनीज हैं ये जितने भी ऑर्गन है तो अगर हम इस एनाटॉमी के लिहाज से देखें इंटरनल ऑर्गन जो हैं जितने भी इंसान हैं तो सबके एक जैसे सिमिलरिटी पाई जाती है तो ये चीज उन्होंने बताई कि मार्फोलोजी और एनाटॉमी की स्टडी की बेस पे हम क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं अब स्पेशी के अंदर मैं एक और आपको चीज बता देता हूं कि जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन करें और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें अब हमारे जो ये ऑर्गेनिज्म है हॉर्स की स्पेशी अलग है और डोंकी की स्पेशी जो स्पेशी जो है वो अलग है जी सर आपको इन दोनों का तो पता है ना हार्स और स्पीशी है डोंकी जो है वो गधा जो है उसकी और स्पेशी है लेकिन इन दोनों स्पीशीज में से एक स्पीशी का हम मेल ले लें और दूसरी स्पीसी का फीमेल ले लें तो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है और इनकी क्रॉस ब्रीडिंग से जो आगे ऑफ प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं म्यूल म्यूल प्रोड्यूस होता है म्यूल -E, आपने उर्दू में खचर का लफ्ज सुना खचर नहीं सुना सुना सर अच्छा तो वो प्रोड्यूस होता है बेटे ये ये दोनों डिफरेंट हैं इनके आपस में क्रास से वो म्यूल पैदा होता है लेकिन वो म्यूल जो है वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता मीन्स कि वो फर्टाइल नहीं है तो ये देखें ये जो एबिलिटी थी कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होना फर्टाइल चूंकिंग प्रोड्यूस नहीं हुआ लिहाजा हम हार्स को और डोंकी को एक स्पीशी में नहीं रखेंगे हम उनको डिफरेंट स्पीशीडर करते हैं <coughs> उसके बाद नेक्स्ट है बायोनियल सिस्टम जब हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रोपिंग करते हैं हम हर ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हैं और वो नाम ये कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमन कलेचर इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म कैरोलस लीनियस ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम होता है उस ऑर्गेनिज्म का जिसकी बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बसन इंसान का बायोम जो नेम है वो क्या है साइंटिफिक नेम नो 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 तो मे ग्रुप वो तो क्लास है, है? इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है होमोसेपियंस से, होमो होमोसेपियंस होमो तो इसमें देखें होमो और सेपियंस दो हिस्से हैं ना नाम में जी बाई का मतलब होता है दो बाइ नॉमियल दो टू नेम्स वाला ऐसा नाम जिसके दो पार्ट हैं और बाइ सिस्टम क्या है ऐसा सिस्टम जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को हर ऑर्गेनिज्म को जो नाम देते हैं वो टू पार्ट्स वाला होता है टू पार्ट्स वाला होता है अच्छा हम स्पीशी तो डिस्कस कर रहे थे ना जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनको एक बड़े ग्रुप में रखते हैं जिसको जीनस का नाम दिया जाता है जीनस फिर यानी मुख्तलिफ जो जीनस हैं उनको इकट्ठा फैमिली में रखते हैं फिर फैमिलीज आगे ऑर्डर में ऑर्डर से ऊपर क्लासेस आती हैं तो क्लासेस के ऊपर फिर जो है वो फाइलम आते हैं फिर फाइलम जो है आगे किंगडम बनती है तो ये है, ये डिफरेंट स्टेप स्टेजेस है क्लासिफिकेशन के छोटे से बड़े की तरफ तो बाइनोमियल सिस्टम जो दो नेम्स होते हैं उसमें याद रखें जो पहला नेम होता है वो जीनस uh, का होता है और जो दूसरा होता है वो स्पीशी का होता है अब सेपियंस के अंदर जो होमो है वो जीनस का नाम है और जो सेपियंस है वो स्पीशी का नाम है सो इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक नाम दिया जाता है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है ठीक है देखिये आपके यहाँ पे मेंशन किया ना कि ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है इट इज अप ऑफ टू पार्ट्स और वो टू पार्ट्स किसको शो करते हैं जीनस एंड सपीशीज उस नाम का पहला हिस्सा जीनस का होता है और दूसरा हिस्सा स्पीशीज होती है इंसान की मैंने एग्जांपल आपको दे दी <coughs> अच्छा नेक्स्ट इधर उन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम जीन्स को भी बेसिस बनाते हैं जीन्स की बेस पे भी क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है कि जेनेटिकली हम देखते हैं सिमिलरिटीज ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिकली मिलते जुलते हैं आपस में ये बेस सिक्वेंसिस होती हैं उनके डीएनए के डीएनए के स्ट्रक्चर में मजीद पढ़ेंगे इनको डिटेल से तो डीएनए uh, के सेगमेंट्स होते हैं जो जीन्स होते हैं हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो जीन्स होते हैं जितनी भी कैटिस्टिक्स होती हैं लाइफ की वो सारे की सारी जीन्स ने डिटर्मिन करनी होती है जीन्स ने कंट्रोल करनी होती हैं, डिफरेंट बॉडी की डेवलपमेंट है वो सारी की सारी की अंडर कंट्रोल होती है और ये जीन्स कहां से मिल, मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो जीन्स मिलते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं एंसेस्टर्स से मिलते हैं उसके बाद है फीचर्स ऑर्गेनिजम्स की <coughs> फीचर्स इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ फीचर्स पाई जाती हैं मसन क्या सेल की फीचर्स हैं सेल में साइटोप्लाज्म होता है <coughs> सेल मेंब्रेन होती है डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज होता है और अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो एनिमल सेल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ओके okay, सर। और पौधों के अंदर क्या पौधों में सेल मेम्ब्रेन होती है? यस यस। सर। इट लाइज नेक्स्ट सेल वॉल। प्लांट्स में सबसे बाहर सेल वॉल होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जी yes, सर। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल्स में सेंटर में और प्लांट सेल्स में थोड़ा सा साइड पे डिस्प्लेस्ड होता है किस वजह से वैक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से प्लांट्स के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है जिस वजह से हाँ जी नेट के जरा होगी इंटरप्शन शायद हाँ जी देखे बेटा दे, कोई फर्क पड़ा है अभी ठीक है आवाज हेलो जी सर अब ठीक है ओके okay. hmm. मैं बता रहा था कि न्यूक्लियस एनिमल सेल्स के अंदर सेंटर में पाया जाता है जबकि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं थोड़ा साइड पे होता है सेल मेम्ब्रेन के करीब चला जाता है डिस्प्लेस होकर क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है इस वजह से उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है पौधों के अंदर सेलवाल कहां पे होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेलवाल होती है प्लांट्स के अंदर और एनिमल सेल्स में सेलवाल नहीं होती इसके अलावा कुछ और फीचर्स को अगर हम देखें ये जो क्लोरोप्लास वगैरह है प्लास्टिड्स की किस्म है ये पौधों में होते हैं और ये एनिमल्स में नहीं होते साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और ऑर्गेनल्स होते हैं मसलन माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्जी बॉडीज हैं, रेबोसोम्स हैं, तो ये चीजें ये ऑर्गेनल्स कहलाते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और हर ऑर्गेनल का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है नेक्स्ट बताया ना मेन फीचर्स विच आर यूज्ड टू प्लेस एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू अप्रोप्रिएट किंगडम्स के डिफरेंट फीचर्स जिनके बेस पे हम एनिमल्स को या प्लांट्स को डिफरेंट किंगडम्स में रखते हैं किंगडम्स मतलब आपने पढ़ी होगी ये फाइव किंगडम्स आपके अंदर मेंशनड भी हैं एनिमल्स प्लांट फंजाई तो एनिमल्स की किंगडम क्या है किंगडम एनिमलिया कहलाती है जितने पौधे हैं प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया अब इनके फीचर्स क्या हैं जो एनिमलिया है किंगडम एनिमलिया इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर है और वो हैट्रोट्राफिक हैं यानी अपनी खुराक नहीं बना सकते इसके अलावा जो किंगडम प्लांटी है इसके भी मल्टी सेलुलर है लेकिन वो ऑटो ट्राफिक है वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं कुछ फीचर्स हैं उनकी जो कि उन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है जो इस एक किंगडम में रखेंगे वो दोस्तों से डिफरेंट होंगी अब फंगस को देखें जितनी फंजाई हैं इनको किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है अब फंजाई की कौन सी कर्टेक्स हैं जो बाकी ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलती फंजाई के अंदर सैलवाल अब पौधों में भी सैलवाल होती है जो कि एनिमल्स में नहीं पाई जाती फंजाई <Five pressing Prem West> की जो सेल सेलवाल है ये कार्टन की बनी होती है जबकि जो पौधों की सेल सैलवाल है वो सेलुलोज की बनी होती है तो ये डिफरेंस हो गया इसके अलावा फंजाई जो है ये हेट्रोट्राफिक है जबकि पौधे जो है वो ऑटोट्राफिक थे अब फंजाई हेट्रोट्राफिक है एनिमल्स भी हेट्रोट्राफिक है लेकिन डिफरेंस क्या है एनिमल्स जो है वो तो इंटे है। करते हैं फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जबकि फंजाई के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है ये फंजाई जहां पे उगती है ना वहीं पे यार ऑर्गेनिक आर, मैटर जो है उसके ऊपर ये उगती हैं वहीं पे ये पर रिलीज करती हैं एंजाइम उस खुराक को डाइजेस्ट कर देते हैं फिर डाइजेस्टेड फूड को ये अब्जॉर्ब कर लेती है फंजाई इसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओके okay, सर यानी फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जबकि पौधों के अंदर क्या होता है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि वो इंजेस्ट करते हैं खुराक को और प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है, है प्लांट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो खुद बनाते हैं खुराक अब हम देखते हैं प्रोक्रियोड्स को जो प्रोक्रियोड्स हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता इनका डीएनए जो है वो एज सची साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जैसे बैक्टीरिया है ये सारे के ये प्रो, प्रोक्रियोट्स कर्टेस्ट। है, हैं उसके बाद है प्रोटोकटिस्ट प्रोटोकटिस्ट ये किंगडम है उसके ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोटोकटिस्ट ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं वेरीड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कोई ऐसी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते जो कि सारे ऑर्गेनिज्म से पाई जाती हैं

कुछ एनिमल से मिलती हैं और कुछ पौधों से मिलती हैं you, लेकिन सारे के सारे फीचर्स किसी एक ग्रुप से नहीं मिलते हैं। इसलिए इनको ना एनिमल्स में रख सकते हैं ना प्लांट्स में रख सकते हैं ना फंजाई ना प्रोक्रिय किसी भी ग्रुप में तो एक वेरिड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं प्रोटोकोटिस्टा के अंदर रखते हैं ये फाइव किंगडम्स हैं मार्गुलस और शोर्स ने ये क्लासिफिकेशन जो है फाइव किंगडम सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके बाद नेक्स्ट जो है ये फीचर्स थी जो मैंने अभी डिस्कस जिनके बेस पे हम को क्लासिफाई करते हैं अच्छा मेन तो ग्रुप्स जो वर्टीब्रेड्स के हैं वर्टीब्रेड कौन से हैं जिनमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो इसमें कौन कौन से आते हैं मैमल्स हैं बर्ड्स हैं रेप्टाइल्स हैं एम्फीबियंस हैं और फिश हैं। ये असल में पांच क्लासेस हैं ये ठीक है ये फाइव क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस फिश तो हर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अपनी अपनी फीचर्स हैं जो बाकियों से डिफरेंट हैं मैमल्स देखें मैमल्स में वो एनिमल्स आते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं बर्ड्स में फ्लाई करने की एबिलिटी पाई जाती है उड़ने की सिलाहित होती है और ये एग देते हैं ये अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं रेपटाइल जो है ये भी एग्स देते हैं और रेप्टाइल्स की क्या कटस्क है ये क्रॉलिंग करते हैं रेप्टाइल्स क्रॉलिंग करते हैं रिंग का चलने वाले हैं। और ज्यादातर पर पाए जाते हैं लेकिन ये पानी में भी जा सकते हैं टॉटाइस की एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं एमफीबियंस एम्फीबियंस जो है ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में भी रह सकते हैं और खुशकी पर भी रह सकते हैं आप किसी एम्फीबियन की एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रॉग yes, अच्छा, का साइंटिफिक नेम क्या है Rana tigrina. Rana tigrina. अच्छा फिश को देखें ये पानी के अंदर पाई जाती हैं मछलियां जितनी हैं, तो ये पांच क्लासेस हैं जो वर्टिब्रेट्स की हैं। इसके अलावा मेन ग्रुप्स आपको आर्थ्रोपोड्स के बताए गए हैं आर्थ्रोपोड्स जो हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती इनमें देखें मीरियापोर्ट्स दिए गए ये मीरियापोर्ट्स जो हैं इनमें बहुत ज्यादा टांगे होती हैं सेंटीपीड सेंटीपीड और मिलीपीड इसकी एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं सेंटीपीड को सेंटीपीड इसलिए कहते हैं कि उसमें सौ टंग होती हैं और मिलीपीड हजार टंगे होती हैं उसमें तो ये इसके अलावा इंसेक्ट्स को देखें जिसमें आप जो है वो टेपम अर्थवम ये काक्रोच वगैरह एस्कैरस ये सारे इंसेक्ट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं ग्रुप है इसमें ये स्कॉर्पियंस आते हैं, स्पाइडर है ठीक है ये इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो के लाते हैं। उसके बाद जो क्रस्टेशन हैं, ये क्रैब्स लोबस्टर्स वगैरह ठीक है ये क्रस्टेशन में आते हैं तो ये क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को सिमिलरिटीज़ की बेस पे छोटे बड़े ग्रुप्स के अंदर इधर राइट साइड पे आप देखें तो डाइकॉट और मानोकॉट प्लांट्स के अंदर कुछ फीचर्स बताए गई डाइकॉटिलिडन्स और मानोकॉटिलिडन्स डाइकॉटिलिडन वो होते हैं जिनमें दो कॉटिलिडन पाए जाते हैं और मानोकॉट या मानोकॉटिलिडन्स प्लांट्स जिनमें एक ही कॉटिलिडन होता है उसके बाद लिस्ट द फीचर्स ऑफ वायरसेस लिमिटेड टू प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल वायरसेस के अंदर बेटे ये होता है कि इनमें प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर उसके अंदर जो वो या डीएनए होता है या आरएनए होता है या उनमें आरएनए होगा या डीएनए होगा और बाहर उसके क्या होता है प्रोटीन का बना हुआ कोट सा होता है शेल सा होता है बाहर तो अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस कहलाती है अगर उसके अंदर आरएनए है तो उसे हम आरएनए वायरस कहते हैं और वर्सेस जो हैं इनको uh, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की कर्टिस्टिक में पाई जाती हैं जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती हैं तो इनमें रिप्रोडक्शन की सलाय पाई जाती है ये रिप्रोडक्शन करती हैं जिस वजह से ये लिविंग कंसिडर होती हैं लेकिन ये आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम बॉडी हो ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर हो तो ये क्रिस्टल्स की तरह स्टोर की जा सकती हैं बिल्कुल जैसा नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं

नहीं नहीं बेटे इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे पहले आप जो पूछना चाहती हैं थोड़ा लेंथी था ये लेंथी था चैप्टर चीजें ज्यादा थी इसमें तो हमने जो क्रैटिस्टिक्स पढ़ी हैं जिनकी बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से डिफर add, जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन कौन सी पढ़ी है? सर क्वेश्चन रिपीट करना आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी कैन यूज टू डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग वंस मूवमेंट यस रेस्पिरेटरी यस सेंसिटिविटी यस रिडक्शन न्यूट्रिएंट्स हम्म स्क्रीशन एंड ग्रोथ यस व्हाट इज न्यूट्रिशन

के अंदर क्या एबिलिटी मैंने बताया क्या एबिलिटी पाई जाती है सर uh, उनकी ability है कि yes. uh, yes, <coughs> और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एंड प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा बेटे आप ये बताएं कि आप जो अभी ए, आंसर मुझे बता रही हैं बुक आपके सामने खुली है या आप जबानी बोल रही हैं? नेक्स्ट सर ऐसे ही ज़बानी बोलनी वेल डन ओके रिप्रोडक्शन क्या है व्हाट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज मेकिंग मोर ऑफ एनी ऑफ द सेम स्पीशीज यस प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वन्स ऑफ देयर ओन काइंड्स ओके सर यानी ये वो प्रोसेस है जिसकी जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बाइनोमियल सिस्टम क्या मैंने बताया बाइनोमियल नॉमन कलेचर जैसे कहते हैं ये क्या है uh, बायोनोमियल सिस्टम सर इट्स इट्स सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास uh, आता है दो तरह के नेम होते हैं जिस तरह ह्यूमंस का है हमारा होमोस्पेश होमोसेपियंस होमोसेपियंस और उसके अंदर हम लोग देते हैं जीनस और स्पीशीज यस यू कैन से इट इज अ सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स बायोनॉमियल सिस्टम क्या है इट इज सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ ऑर्गेनि ठीक है साइंटिफिक नेम किसी भी organism उसके दो होंगे. पहला का होगा और दूसरा हिस्सा का होगा अच्छा okay, क्लासिफिकेशन को मैंने डिफाइन किया क्या होती है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज अजन Yes. Of organisms. Deviant of organisms into groups and subgroups on the basis okay. of similarities among them. Similarities की बेस पे organisms को छोटे बड़े ग्रोहों में जो डिवाइड करना है इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं चले ठीक हो गया <coughs> ये थोड़ा सा रिव्यू हुआ नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर है सेल्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का हाँ जी कर दो डिस्कस सर ये पहला वैसे भी बहुत था हाँ लेंथी है वैसे इसको आप आज का दिन इस पे लगाए ताकि अच्छी तैयारी हो जाए आपने बेटे कल का चैप्टर काम जो था वो अच्छा किया है डेली आपने इसी तरह कंटिन्यू रहना है तो इनशाला आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ये जैसा आप तैयारी अभी करते जा रही है ना ये मेन चीज है जो आपके ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते जाने हैं आपके जेन नशीन हो जानी है ये चीजें तो जब हम पेपर करेंगे आपको पेपर बहुत आसान लगेंगे सर। हाँ जी आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें Sir, जो आपने लास्ट में बताया था उसका दे, दे है। देखें, ऐसे हैं जिनको ना तो हम कर सकते हैं, और ना ही हम उनको नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं okay, ये जो फाइव किंगडम्स है ना ऑर्गेनिजम्स की इनमें से किसी किंगडम के अंदर वो नहीं आते okay, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती हैं, तो वो लिविंग कंसीडर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर होते हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करती हैं। लेकिन जब वो लिविंग uh, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर हों, तो उनके अंदर कोई लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म की क्राइटिस नहीं नजर आती वो जैसे आम क्रिस्टल्स ग्रेन्स वगैरह स्टोर कर लेते हैं हम इसी तरह उनके क्रिस्टल इकट्ठे हो, हो जाते हैं, क्रिस्टल्स की तरह तो उन वर्सेस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के इन बिटवीन कंसिडर करते हैं एक तो ये उनके फीचर बताएं, दूसरा उनके स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने बताया है कि उनमें सिर्फ दो चीजें होती हैं एक डीएनए और एक प्रोटीन का कोट होता है कोट क्या होता है बाहर शेल सा खोल सा जिसके अंदर डीएनए होता है या डीएनए होता है या, या आर होता है यह जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक मटीरियल या डीएनए होगा या आरएनए होगा और इसी के बेस पे वायरसेस को कैटेगराइज किया जाता है कि ये डीएनए वायरस है ये आरएनए वायरस है हाँ जी और वायरसेस हैं क्या डिजीजेस काज करने वाले एजेंट्स हैं वायरल डिजीजेस जो जैसे हाइपरटेंटस को देखें एड्स को देखें ये कोरोना को देख लें ये सारे वायरसेस हैं हाँ जी और okay. क्वेश्चन अच्छा तो कर रहे थे आपके त्यारी, तो त्यारी आपकी तैयारी तो तैयारी आपकी माशाला हो जा नहीं है इनशाला जो है हमारी कोशिश ये होगी फरवरी के अंदर जो है ना आपके रिवसेस कम्पलीट हो जाए और उसके बाद आगे जो है हम अगला जितना भी टाइम होगा <coughs> वो पेपर्स करेंगे और हंड्रेड परसेंट तैयारी हो जाएगी ठीक है सर तो कल बेटे आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा बायोलॉजी का सर। ठीक है सर। ठीक है बेटे ओके अल्लाह हाफिज अच्छा ये जो लेक्चर है इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर ठीक है सर अब YouTube पे न, मेरा अपना YouTube का चैनल है ये उसके ऊपर मैं इसको अपलोड कर दूंगा वहां पे आप इसे देख सकती हैं ठीक है सर आप मुझे अपना YouTube चैनल का लिंक भेज चैनल का लिंक भेज देता हूँ और उस पर मैं अपलोड करता हूँ वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है ठीक है सर ये बेटे ओके बेटा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़